तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना चाहिए। आप सभी लोग दोस्तों यहां से अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखें ताकि आप सबको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन और इनके उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको दोस्तों इसकी तैयारी को कैसे कर लेना चाहिए। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखकर जरूर जाएं और दोस्तों एक खास रिक्वेस्ट जरूर आप सभी लोगों से मेरी है कि अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और किस आधार पर दोस्तों आप सबको इसकी तैयारी को कर लेना चाहिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल लास्ट समय तक जरूर देखेंगे ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और किस आधार पर दोस्तों आप सबको इसकी तैयारी को कर लेना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग यहां से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक देखकर जरूर जाएं, देखिएगा ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इसी जगह से दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, यहां से आप लोग देख सकते हो परीक्षा 2023 कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों विषय होगा आपका हिंदी का और कोड दिया गया आपका 01। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे, देख सकते हो प्रश्न नंबर एक में आपसे इस प्रकार से क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिएगा दोस्तों ये अपठित गद्यांश आप सबको दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न लिखे हैं इनके उत्तर आपको देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख सकते हो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो देखिएगा दोस्तों इसका उचित शीर्षक होगा जयशंकर प्रसाद प्रसाद जी संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सुंगनी साहू घराने से। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा सीखी थी, अवधी ब्रज राजस्थानी। तो देखिएगा दोस्तों यहां से आप सभी लोग इनको देख लें और इन प्रश्नों को नोट कर सकते हो कि कौन सी भाषा दोस्तों प्रसाद जी ने सर्वप्रथम सीखी थी। आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं आगे के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी, तो ये आपका आ जाएगा ब्रज। देखिएगा दोस्तों वैसे पढ़ लेना चाहिए आप कोई पैसेज, यहाँ से आप सभी को तभी जाके पता चल पाएगा। प्रसाद जी मूलतः कवि थे, उनके समस्त रचनाओं का काव्य हृदय है, उन्होंने ब्रज भाषा में सर्वप्रथम कविता लिखी थी, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किन रचना में किया, आंसू में लहर में झरना में, तो यहाँ से आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा, देखिएगा परिचय झरना में प्रकाशित सांकेतिक रूप में मिलता है, तो इसका दोस्तों आपका जाना के पश्चात आंसू प्रकाशन में काव्य क्षेत्र में बहुत बड़ी घटना है। जहां तक छायावाद की प्रतिष्ठान का प्रश्न है झरना में किया, तो देखिएगा दोस्तों झरना इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके ऊपर आप लोग चिन्ह लगा लेंगे। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन ये देख सकते हो, यहाँ पर ये बटोही वाला आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा दोस्तों पद की पहचान। बटोही शब्द का अर्थ होता है पथिक और सुमन का पर्यायवाची होता है फूल पुष्प सुमन। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। और अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, उपयुक्त काव्यांश में कौन से शब्द शक्ति प्रयोग हुई है, प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ है। देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है कंटकों के सर का अर्थ होता है दुख, यहाँ से इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। पूरा आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का पूछा जाएगा, उनमें शब्द का अर्थ है प्रकाश और जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है व्यंग्यात्मक। और उसी के अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और आगे देख सकते हो यहाँ से ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप सबको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए और तत्पुरुष समास के दो उदाहरण आपको लिखने हैं, काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ, जैसी करनी वैसी भरनी,
यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का खंडन किया समर्थन किया, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप सबसे यहाँ से पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लें। और आगे खंड ब दिया गया है, खंड ब में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाएंगे। माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव की विशेषताओं को बताना है। दुलारी का परिचय टुन्नु से कहाँ और कैसे हुआ। काल के आधार पर क्रियाओं के भेद। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है। बाल गोविंद भगत की अपनी चारित्रिक विशेषताओं से साधु कहलाते थे। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और आगे दोस्तों खंड सा को देख सकते हो। खंड सा में इस प्रकार से आपसे गद्यांश पूछा गया है, तो देखिएगा दोस्तों ये जो गद्यांश लिखा है आप सभी लोग उसको पढ़ लेंगे, इसकी व्याख्या करनी है। और उसी के अलावा दोस्तों आगे देख सकते हो यहाँ से इस वाले पद्यांश की आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है, आप लोग इसको भी करके देख लें। और आगे देख सकते हो प्रश्न नंबर 19, 20 और 21 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग दोस्तों इसका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन तैयार कर लें। टोटल दोस्तों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। टोटल आप सबसे दोस्तों 23 क्वेश्चन ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।